हाँ जी बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का सब्जेक्ट है और वी आर स्टडिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में लास्ट लेक्चर में हमने ओम्स लॉ को डिफाइन किया था और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास वी इज इक्वल टू आई आर, ये एक रिलेशन आई थी। उस रिलेशन में जो V होता है बच्चे, वो किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस उसके दो एंड्स पे जो हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं वो V होता है हमारे पास। और I जो है वो इस कंडक्टर में से करंट होता है, I इज द करंट एंड R इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर, R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो हमने SI यूनिट किया था बच्चे, दैट इज ओम। ओम इज SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस और उसका सिंबल होता है ये वाला, ठीक है, ये ओम का सिंबल है। और 1 ओम रेजिस्टेंस होती है अगर हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा हो वो 1 एम्पेयर हो, तो उस केस में हम बोलेंगे कि उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है दैट इज 1 ओम। अब बच्चे, जनरली जो कंडक्टर्स होते हैं हमारे पास, एक वायर अगर मैं बात करूं, एक कॉपर की सिंपल वायर, तो दैट इज ए कंडक्टर, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब उस वायर की जो शेप होती है जनरली, वो शेप होती है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल शेप में हमारे पास दो चीजें मैटर करती हैं, एक होता है एरिया और एक होता है उसकी लेंथ। जनरली ये होती है, बट अदरवाइज अगर बोला जाए तो हम इस तरह एक बार की फॉर्म में भी कंडक्टर बना सकते हैं। उस बार की शेप इस तरह की हो सकती है जैसे मैं अभी आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखें। इस बार की भी एक लेंथ है, दिस इज ए मेटल बार, और इस बार की भी एक लेंथ है और इसके साथ साथ इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम ये मान लेते हैं, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड दिस इज लेंथ ऑफ दिस बार, दिस इज एरिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। सो वी आर गोइंग टू स्टडी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं बच्चे, ये जब हम स्टडी करते हैं तो ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स की स्टडीज हैं ये सारी, कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर की लेंथ जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ही हुआ है, उस कंडक्टर की लेंथ लेट अस सपोज एल है हमारे पास और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो ये स्टडी करके हमें पता चला कि उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है बच्चों, वो रेजिस्टेंस इस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मींस इस कंडक्टर की जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ाते चले जाएंगे उतनी रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर की वो बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब है कि लेट अस सपोज एक ये वायर है और दूसरी वायर ये थोड़ी सी लंबी है, तो जो लॉन्ग वाली वायर है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी अगर दोनों वायर्स सेम मटेरियल की बनी हुई है, सेम मटेरियल की बनी हुई है, मटेरियल इज सेम। फॉर एग्जाम्पल कॉपर ले लो आप, तो अगर कॉपर की हैं दोनों वायर्स तो उनमें अगर एक वायर थोड़ी लंबी है दूसरी छोटी है तो लंबी वाली वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, नंबर 1। नंबर 2, द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? लेट अस सपोज ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर आपके सामने शो हो रहा है, तो यहां पर ये वाला जो एरिया होता है जिस एरिया में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके जाते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर फ्लो करते हैं इस तरह से, जो करंट जब सेटअप होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज बेसिकली करंट। तो जिस एरिया के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं या जिस एरिया के परपेंडिकुलर करंट फ्लो करता है, दैट एरिया इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हेयर एल इज लेंथ एंड ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो इन दोनों फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप बढ़ा दोगे उतनी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम वाटर फ्लोइंग थ्रू ए पाइप इमेजिन कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक पाइप है, जैसे लेट अस सपोज आप अपनी एक्टिवा को वॉश कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ ए पाइप, और यहां पर आपने वाटर का इनपुट दिया, टैप के साथ इसको कनेक्ट किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पाइप जितनी ज्यादा आप चौड़ी कर दोगे, मोटी कर दोगे, उसकी थिकनेस जितनी ज्यादा आप बढ़ा दोगे उतना पानी ज्यादा फ्लो करेगा।
अब वहां पर पानी है और यहाँ पर हमारे केस में इलेक्ट्रिसिटी में वो पानी की जगह जो चीज फ्लो कर रही है वो चार्ज है। तो ऑब्वियसली जब हम एरिया बढ़ा देंगे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उस एरिया में से पास कर पाएंगे। अगर यहाँ पर लेट अस सपोज पर सेकेंड 5 इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं तो हो सकता है यहाँ पर उससे ज्यादा पर सेकेंड 15 इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हो, क्योंकि फ्लो जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एरिया बढ़ने से फ्लो बढ़ेगा, तो अगर फ्लो बढ़ रहा है तो इसका मतलब है ऑपोजिशन कम हो रही है और रेजिस्टेंस कम हो रही है, तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब लेंथ की बात करें, देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के अंदर से फ्लो करते हैं तो मैंने आपको बताया था कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस था बच्चे बेसिकली कोलिजन्स, कोलिजन्स कोलिजन्स का मतलब होता है टक्करें, कोलिजन्स ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स विद पॉजिटिव आयन कोर्स। जो पॉजिटिव आयन कोर्स होती हैं वो रुकावट पैदा करती हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ कोलाइड करते हैं, तो जितनी ज्यादा वायर की लेंथ हो जाएगी उतने ज्यादा पॉजिटिव आयन कोर्स होंगे और उतने ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स के उनके साथ, तो इसका मतलब लेंथ के बढ़ाने से भी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। तो ये दो फैक्टर्स हैं हमारे पास, और यहां पर जब हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करते हैं दैट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज कॉल्ड रो, रो इस सिंबल को रो बोला जाता है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है रेजिस्टेंस का। अभी हम रो की बात करने वाले हैं, ये रो क्या होता है, तो दिस रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, दिस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ कंडक्टर, या इसका दूसरा नाम भी है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टिविटी। अब ये जो रेजिस्टिविटी का फैक्टर है बच्चे ये डिसाइड करता है, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम सिल्वर ले लेते हैं, सिल्वर की रेजिस्टिविटी मिनिमम होती है, मिनिमम रेजिस्टिविटी होती है सिल्वर की, तो सिल्वर जो है वो एक बढ़िया कंडक्टर होगा वायर का, उसकी रेजिस्टिविटी कम से कम है मतलब उसकी रेजिस्टेंस भी कम से कम है। तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ओनली। अब इस चीज को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है, इसका क्या मतलब है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट अस सपोज यू हैव टू वायर्स, दोनों की लेंथ सेम है, लेंथ मैंने दोनों की एल ले ली यहां पर, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी सेम है, लेकिन एक वायर जो है बच्चे वो कॉपर की बनी हुई है वायर, ठीक है, कॉपर की बनी हुई है, और जो दूसरी वायर है लेट अस सपोज, मैं आपके डेली लाइफ से एग्जांपल लेता हूं, लेट अस सपोज ये एक रोड ही है, वायर जैसी सेम लेंथ है और ये प्लास्टिक की बनी हुई है, प्लास्टिक। अब आपको अपने डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस से ये चीज पता है कि प्लास्टिक को अगर हम किसी सर्किट में लगाएंगे तो वहां करंट नहीं फ्लो करेगा, लेंथ सेम है एरिया सेम है, क्या डिफरेंस है मटेरियल का। तो मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है जो ये डिफाइन करती है कि कोई मटेरियल कितना बढ़िया कंडक्टर है या कितना बढ़िया कंडक्टर नहीं है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है, ये पक्का याद रखना कि रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल, ओनली ऑन मटीरियल, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशंस, डू नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर, मीन्स लेंथ पे डिपेंड नहीं करती रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी एरिया पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है। और यहाँ पर बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, क्या होता है कि वो अगर उनसे पूछा जाए कि अगर हमने कंडक्टर की लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ से जो मिस्टेक करते हैं ब्लंडर मिस्टेक, वो ये करते हैं रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल लिख लेते हैं वो फॉर्मूले में से ही, और फिर अगर टीचर ने पूछा कि एल को हमने डबल कर दिया तो रेजिस्टिविटी के साथ क्या होगा, वो बोलते हैं सर एल को डबल कर दिया रेजिस्टिविटी हाफ हो जाएगी, इट इज रॉन्ग। रेजिस्टिविटी यहां पर हमने कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस किया है और वो तब तक कॉन्स्टेंट है जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता। अब अगले पॉइंट पे जाने वाले हैं टेम्परेचर वाले पॉइंट पे, तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखेंगे कि ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है और यहां पर जो रो है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। नाउ फर्स्टली वी विल
टॉक अबाउट टेम्परेचर, दिस इज द फोर्थ फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, रो डिपेंड्स ऑन मटेरियल, जैसे कि मैंने अभी बताया, बट दैट इज एट फिक्स्ड टेम्परेचर, अगर सिर्फ टेम्परेचर फिक्स्ड है, अगर हम टेम्परेचर को वेरी कर दें, देन रो ऑल्सो डिपेंड्स, रो ऑल्सो चेंजेस विद टेम्परेचर, कैसे वेरी करती है टेम्परेचर के साथ, ये भी याद रखेंगे, मेटल्स के लिए बात बोल रहे हैं हम, मेटल्स के केस में जो रो है दैट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसको दिमाग में रखेंगे, इसका रीजन भी आपको बताया जाएगा, कोलिजंस ही हैं बेसिकली, लेकिन अभी के लिए याद रखना है कि जो रेजिस्टिविटी है मेटल्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ मेटल्स, क्योंकि हमारे पास और भी मटेरियल्स होते हैं उनके बारे में भी अभी बात करेंगे, मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी है उसकी बात हो रही है, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा किसी मेटल का वैसे वैसे उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, और अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो फिर यहां पर आप देखिए ये वाला फैक्टर बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, इसीलिए बोला जाता है कि रेजिस्टेंस जो है दैट इज ए कॉन्स्टेंट ओनली एट फिक्स टेम्परेचर, और ओम्स लॉ की डेफिनेशन में भी ये चीज लिखी गई है कि द रेजिस्टेंस द वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट provided the temperature is fixed, है ना, ये चीज पहले ही हमने define करी हुई है, अगर temperature constant है तब rho constant रहेगा और r constant रहेगा, चलिए अब इस formula के ऊपर और बात करते हैं, तो ये resistivity की बात हो गई, अब इसके साथ साथ let us do one example first, इस formula की example करते हैं, हमारे पास जैसे कि formula है r is equal to rho l by a, this is the relation for the resistance of a wire whose length is L and area of cross section is A. अब सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, आपसे पूछा गया कि भाई हमारे पास एक वायर थी उसकी लेंथ कुछ भी है, लेट अस सपोज L है, और उसकी जो रेजिस्टेंस है, ध्यान से सुनो, उसकी रेजिस्टेंस है 4 ओम, आपको बोला गया कि हमने क्या किया, हमने उस वायर को ऐसे सेंटर में से मिड पॉइंट से ऐसे काट दिया, तो अब उसकी जो नई रेजिस्टेंस होगी हर एक पार्ट की वो कितनी आएगी, तो जैसे कि आपने देख लिया कि जब आप इसको काटेंगे आपके पास दो वायर्स बनेंगी, आप एक ऐसे बनेगी और ये दूसरी बनेगी, अगर वो L थी तो ये L by 2 होगी, और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जैसे कि लेंथ आपने हाफ कर दी है इसका मतलब कि जो रेजिस्टेंस भी है वायर की वो R by 2 बन जाएगी, R by 2 means पहले वो 4 ओम थी, तो जो न्यू रेजिस्टेंस आएगी दैट विल बी 2 ओम, तो वायर की लेंथ को हाफ करने से रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी, और अगर हम वायर की लेंथ को डबल कर दें, लेट अस सपोज हमारे पास एक बहुत बड़ा रोल है वायर का, इस तरह सा बड़ा सा रोल है उसमें से हम वायर निकाल रहे हैं, तो उसमें से आपने एक वायर निकाल ली एल लेंथ की, सेम उसी रोल में से एक और वायर निकाल ली 2L लेंथ की, और उसी रोल में से एक और वायर निकाली 3L लेंथ की, ठीक है जी, तो अभी अगर इस L वाली वायर की रेजिस्टेंस R ओम है तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी 2R ओम, क्योंकि वो डबल है लेंथ उससे, और इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी 3R ओम, अब इन सारी एग्जांपल्स में ना तो हम एरिया चेंज कर रहे हैं वायर का, ना ही हम रेजिस्टिविटी चेंज कर रहे हैं, यहां पर हमने सेम मटेरियल था, एक ही रोल था, उसी में से हमने डिफरेंट डिफरेंट वायर्स निकाली हैं अलग अलग लेंथ की, तो इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के हिसाब से चेंज होगी, तो आई होप आपको ये दोनों एग्जांपल्स यहां पर समझ आई हैं। अभी एनसीईआरटी की एक और एग्जांपल इस फॉर्मूले को समझने के लिए कर लेते हैं, और वो एग्जांपल है ए वायर इज डबल्ड On its length, एक वायर को उसकी लेंथ पे डबल कर दिया गया, इसका मतलब है कि हमारे पास एक वायर थी इस तरह से, फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस इफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस इज 4 ओम, तो ये क्वेश्चन है कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस 4 ओम है और इस वायर को इसकी लेंथ के ऊपर डबल किया गया, तो न्यू रेजिस्टेंस निकालनी है, डबल करने का मतलब क्या है, हमने यहां से इसको काटा है ऐसे, और काट के हमने जो दो वायर्स आई थी हमारे पास उनको इस तरह से ज्वाइन कर दिया, एक के सामने दूसरी इस तरह से ज्वाइन करके ऐसे हमने रख दी, ठीक है, अब क्या होगा, एरिया के साथ लेंथ के साथ क्या हुआ, लेंथ हो गई एल बाय टू,
पुरानी वाली लेंथ थी एल, नई वाली लेंथ होगी उस कंडक्टर की, ये भी एक कंडक्टर है, ये जो रेड वाला मैंने यहाँ पे बनाया है ये भी एक कंडक्टर है अपने आप में, तो इसकी लेंथ होगी एल बाय टू। अब अगर ग्रीन वाले की का एरिया ए था तो रेड वाली वायर का जो एरिया हो गया बच्चे वो हो गया 2A, क्योंकि ए यहां से आया हमारे पास और ए यहां से आया, दोनों ऐड होके हमारे पास हो गए 2A, तो टोटल एरिया इज, लेट मी राइट, टोटल एरिया इज 2A। तो अभी हमें उस न्यू वायर की रेजिस्टेंस निकालनी है, तो जो नए वाली रेजिस्टेंस होगी वो होगी रो, तो वैसे ही रहेगा, और हमारी जो नई वाली लेंथ है वो एल बाय टू है, एल की जगह क्या आएगा एल बाय टू, और इसके साथ साथ जो नया एरिया है वो ए की जगह आएगा 2A। अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल से सी कि यहाँ पर 1/4 का फैक्टर आएगा और रो एल बाय ए आएगा, और ये जो रो एल बाय ए है ये तो पुरानी वाली वायर की रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, तो ये बन गया 1/4 ऑफ ओल्ड वाला, जो ओरिजिनल वाला आर था उसका 1/4, तो पुराने वाला आर 4 ओम था और ये वाला भी 4 है, 4 से फैक्टर कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 1 ओम। तो जब भी किसी वायर को उसकी अपनी लेंथ पे डबल कर दिया जाता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है बाय द फैक्टर ऑफ 4। तो हमेशा याद रखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन में जो न्यू वाली रेजिस्टेंस होगी वो पुरानी वाली रेजिस्टेंस का 1/4 होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें बनेंगे, और भी हाई लेवल का क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले आई वॉन्ट टू कम टू द स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी हम इसको डिफाइन करने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका यूनिट देखने वाले हैं और ये क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, ये डेंसिटी का सिंबल भी होता है, इसको रो बोलते हैं। तो जो रेजिस्टिविटी होती है बच्चे वो कैसे आप डिफाइन करेंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। नाउ इफ आई सब्स्टिट्यूट हेयर एल इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 मीटर को टेक्निकली बोला जाता है यूनिट लेंथ, और ए को भी हम सब्स्टिट्यूट कर दे 1 मीटर स्क्वायर, मींस जो एरिया भी है दैट इज यूनिट एरिया, ऐसा यूनिट्स में हम चल रहे हैं। अगर हम दोनों को 1 1 पुट कर दें तो आर हमारे पास रो के बराबर आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि भाई जो रेजिस्टिविटी है, देयर फोर रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर आ रही है, रेजिस्टेंस के, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यहां मटेरियल लिखना चाहिए, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ, हमने लेंथ कितनी ली थी यूनिट, एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब है कि लेंथ भी यूनिटी होनी चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिटी होना चाहिए, तब उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली आपको उसकी रेजिस्टिविटी, मटेरियल की रेजिस्टिविटी दे देगी। तो ये डेफिनेशन है बच्चे रेजिस्टिविटी की। अब हम इसके यूनिट की बात करेंगे, एसआई यूनिट, ध्यान से देखते हैं। अगर हम इस फॉर्मूले को इस तरह से लिखें, हम इसका यूनिट बनाने वाले हैं रेजिस्टिविटी का, तो दिस इज आर ए बाय एल। नाउ आर इज ओम, एरिया होता है मीटर स्क्वेयर और लेंथ होती है मीटर्स में, तो ये कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट होता है दैट इज ओम मीटर, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा बच्चों, मैं ना इस लेक्चर के ये जो नोट्स बन रहे हैं इसकी पीडीएफ अभी ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप आराम से वहां से लिख लेना, अभी लिखने मत बैठो, ध्यान से सुनो लेक्चर को, ध्यान से समझो। चलो, तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती है, और रेजिस्टिविटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, फैक्टर्स ऑन विच रो डिपेंड्स, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो जो रो है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर 1 मटेरियल ऑफ कंडक्टर, नंबर 2 टेम्परेचर फॉर मेटल्स, फॉर मेटल्स रो इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो मेटल्स के लिए रो जो है वो बढ़ती है, और बाकी और मटेरियल्स भी हैं उनके बारे में बाद में बात करेंगे।
अगर आपको पूछा जाए आर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, ऑन व्हाट फैक्टर्स आर डिपेंड्स, तो नंबर वन लेंथ, नंबर टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसके डायरेक्टली इसके इनवर्सली, नंबर थ्री रेजिस्टिविटी एंड नंबर फोर टेम्परेचर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, रीजन है क्योंकि उसके अंदर रो आ रहा है उसके फॉर्मूले में, तो रो तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो तो टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होता है। अगर रो चेंज होता है तो फिर इसका मतलब है आर भी चेंज होता है। तो जो रेजिस्टेंस है वो इन चार चीजों पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये सारे फैक्टर्स इस क्वेश्चन में आप लिख देंगे और इसके बारे में ये क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं हमारे पास किस तरह के मटेरियल्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर रेजिस्टिविटी। देखिए बच्चे, हमारे पास दो तरह के जो वास्ट मेजोरिटी है मटेरियल्स की, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी हैव टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। एक थर्ड टाइप भी है लेकिन उसको हम प्लस टू क्लास में पढ़ते हैं, अभी के लिए हम टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स की बात करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताऊंगा मैं। एक होते हैं कंडक्टर्स, आपको पता ही है कंडक्टर्स वो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और एक होते हैं इंसुलेटर्स। अब कौन डिसाइड करता है कि वो कोई मटेरियल कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा, तो वो डिसाइड करता है प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, जो थोड़ी सी वोल्टेज लगाने से फोर्स लगती है और वो कहीं पर भी मूव कर जाते हैं। लेकिन जो इंसुलेटर्स होते हैं दे डू नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं। थोड़ा सा केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ये सब कुछ, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस एटम्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। तो थोड़ी सी वोल्टेज लगाने से, मीन्स 10 20 50 वोल्ट तक या 100 वोल्ट तक या 220 वोल्ट तक लगाने से उनपे फर्क नहीं पड़ता। हाँ फर्क पड़ता है, ये नहीं कि वो कंडक्ट ही नहीं कर पाते, कर पाते हैं जब उनके अक्रॉस बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज लगा दी जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एयर के अक्रॉस, लेट अस सपोज दो प्लेट्स हैं यहां पर और यहां पर एयर है, अगर हम इस एयर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें 3 × 10⁸ पर मीटर का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतना वोल्टेज लगा दें, अगर हम ये 1 मीटर का डिस्टेंस ले लेते हैं हम यहाँ पे, इतनी ज्यादा हाई वोल्टेज अगर आप एयर के अक्रॉस भी लगा दो ना, तो एयर भी जो है वो कंडक्टर बन जाती है। वो कंडक्टर बनने का मतलब वही है कि वो जो एटम्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से बाहर रिजेक्ट हो जाते हैं और वो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। बट जनरली एट लो वोल्टेजेस दे डो नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इंसुलेटर्स हो गए। अब रेजिस्टिविटी की टर्म्स पे यहाँ पर क्वेश्चन आता है, मेटल्स के लिए कंडक्टर्स के लिए जो रो होता है दैट इज वेरी लो, ये टर्म्स आपने लर्न करनी है, और जो रेजिस्टिविटी की रेंज है, रो की रेंज है इसमें, दैट इज 10⁻⁸ ohm, वेरी वेरी लेस, 2 × 10⁻⁶ ohm। तो ये रेंज आपने लर्न करनी है। इंसुलेटर के केस में रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, 10⁻12 ohm से लेके, ये रेंज है अलग अलग इंसुलेटर्स की, 10⁻17 ohm, तो इतनी हाई रेजिस्टिविटी होती है। और एक और हमारे पास कैटेगरी है जो आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज कॉल्ड अलग अलग कंडक्टर्स लेके, तीन चार तरह के कंडक्टर्स लेके हम बना देते हैं अलॉयज, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, एग्जाम्स में भी इंपॉर्टेंट हैं, डेली लाइफ में भी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये जो एलॉय होते हैं ये हमें हीटिंग डिवाइसेस के जो फिलामेंट्स होते हैं, हीटिंग डिवाइसेस के अंदर जो हम मटेरियल्स यूज करते हैं वहां पर ये एलॉयज लगाए जाते हैं। इन एलॉयज की प्रॉपर्टीज होती हैं बहुत अच्छी, वो कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं और वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो हमारे पास जो एलॉयज होते हैं दे हैव हायर रेजिस्टिविटी, हायर रेजिस्टिविटी देन मेटल्स, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं होती कि इंसुलेटर की रेंज में चली जाए, थोड़ी सी ज्यादा होती है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट कंडक्टर से ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है। तो ये एक बहुत अच्छा इसका इसकी प्रॉपर्टी है। और दूसरी अच्छी प्रॉपर्टी है कि ये जो एलॉयज होते हैं दे हैव नहीं दे डू नॉट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज का मतलब होता है बर्निंग, दे डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर।
इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है और दे डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। अब ये जो एलॉयज हैं ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं और वो कौन कौन से एलॉयज हैं, ये सारे के सारे एलॉयज जो हैं वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट आते हैं आपके एग्जाम्स में। ये यूज होते हैं इन हीटिंग डिवाइसेस, एग्जाम्पल के तौर पे हीटर ही ले लेते हैं हम, टोस्टर का फिलामेंट होता है, इलेक्ट्रिक आयरन होता है हमारे पास, उसका फिलामेंट होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब है हमारे पास। तो इन सब के अंदर जहां पर हमने वोल्टेज अप्लाई करनी होती है और हम चाहते हैं कि जो रेजिस्टेंस है उसकी काफी ज्यादा हो, क्योंकि अगर रेजिस्टिविटी हाई होगी तो रेजिस्टेंस भी हाई होगी, और हम अगर ज्यादा रेजिस्टेंस चाहते हैं ताकि ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो सके तो हम ये वाले अलॉयज यूज करते हैं। और ये जो अलॉयज हैं इनकी एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं। तो एक है हमारे पास कॉन्स्टेंटन, आप एनसीईआरटी से ये चैप्टर रीड करेंगे, ये आपका होमवर्क है, आपको सब वहां मिलेगा। जो कॉन्स्टेंटन है ये कॉपर और निकल का बना होता है, कॉपर एंड निकल एलॉय है, दो मेटल्स को मिला के बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास मैंगनीन, मैंगनीन मैंगनीन जो है वो बना होता है कॉपर का, निकल का और मैंगनीज का, तो ये तीन मेटल्स होते हैं इसमें। और जो थर्ड है हमारे पास दैट इज नाइक्रोम, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाइक्रोम। जो नाइक्रोम है वो निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन, इनका बना होता है। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी नाइक्रोम की होती है। और ये जितने भी अलॉयज हैं इनकी एक और एप्लीकेशन होती है, जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन हीटिंग डिवाइसेस है, तो सेकेंड एप्लीकेशन एक और है हमारे पास, दैट एप्लीकेशन इज टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स। तो जो रेजिस्टेंसेस फिक्स हम रखते हैं, रेजिस्टेंस कॉइल्स क्या होती हैं, जैसे हमें कभी कई कई बार सर्किट्स में रेजिस्टेंसेस की जरूरत पड़ती है, तो इस तरह के रेजिस्टेंसेस जो आप चाहते हैं टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो, वहां पर भी ये वाले अलॉयज जो हैं वो यूज होते हैं। तो ये अलॉयज की एप्लीकेशंस हैं और साथ साथ रेजिस्टिविटी के बारे में यहां तक अभी तक हमने पढ़ा है। तो क्वेश्चन है कि एक हमारे पास मेटल वायर है, उसकी लेंथ 1 मीटर है, लेंथ 1 मीटर वायर इज 26 ओम, उसकी रेजिस्टेंस 26 ओम है, लेकिन कहां पर, एट 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर साथ में गिवन है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो आपको टेम्परेचर कई बार मेंशन करना पड़ता है। तो इट्स डायमीटर इज 0.3 मिलीमीटर, दिस इज द डायमीटर, फाइंड रो एट दैट टेम्परेचर। तो सिंपली रो फाइंड करना है, रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल, आर सब्स्टिट्यूट करेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे ये देखिए। तो यहां पर अगर कंडक्टर की बात करिए तो ऑब्वियसली सिलेंड्रिकल शेप होगी, उसका डायमीटर आपको डी गिवन है, आपको ये एरिया निकालना है सर्कुलर एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, बट आपको आर नहीं गिवन, आपको डी गिवन है, तो आप यहां पर आर को d/2 लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास पाई d²/4। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे आर पाई d²/4 × L, बस ये सब कुछ आप एल पुट कर दो, 1 मीटर डायमीटर 0.3 mm, 0.3 mm को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0.3 mm को मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इंटू 10⁻³ - 3 मीटर्स, तो ये इतना हो जाएगा हमारे पास, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर्स होते हैं, और या ऐसे बोल सकते हैं 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर्स होते हैं। तो इस तरह से ये वैल्यूज यहाँ पर जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट आंसर। तो आंसर आपकी एनसीईआरटी में है, उसको खोलिए, वहां पर जो पेजेस हैं रेजिस्टेंस और किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है उसको रीड करिए अच्छे से। देखिए अगर हम कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो उसको इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस बढ़ रही है, ठीक है जी, और अगर हम लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। रो रो के बारे में बाद में बात करते हैं, एरिया, एरिया को डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी, लर्न कर लो इसको,
एरिया को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस कम होगी, देखो, और साथ साथ कंडक्टर भी देखते रहो उसका एरिया कैसे कम ज्यादा हो रहा है। और अब रो पे आ जाते हैं, तो रो के बढ़ने से क्या होता है, अब कंडक्टर के ऊपर ध्यान से देखेंगे। अब मैं रो को चेंज कर रहा हूं, अभी तक मैंने नहीं किया था। अब रो के बढ़ने से आप देखिए अंदर जो है ना कोलिजन्स हैं, बेसिकली ये कोलिजन्स इंक्रीज हो रहे हैं और जिससे हमारी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ रही है। इस एनिमेशन में टेम्परेचर का फैक्टर नहीं है, जो रो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर हम टेम्परेचर भी चेंज करेंगे कंडक्टर का, उसको इंक्रीज करने से भी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो इस तरह से आपको ये सब कुछ ध्यान में रखना है और लर्न करना है। इसके और भी न्यूमेरिकल्स हैं, थोड़े हाई लेवल के, एनटीएससी के लिए न्यूमेरिकल्स हैं इसके, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।